नमस्कार नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग, मैं नितिन श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल यूनिक ऑनलाइन गुरु पर। और आज से आपका मैं स्टार्ट कर रहा हूं पाइथन में। आज का बच्चों टॉपिक है लूप। लूप एक ऐसा टॉपिक है जो बिना जाने कोई भी प्रोग्रामर कंप्लीट प्रोग्राम या कहें बेहतरीन प्रोग्रामिंग नहीं कर सकता। तो देखिए, लूप एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पे कि हम लोग आज से शुरुआत कर रहे हैं। आपको निरंतर हम लोग वीडियोस देंगे, तो आप उसको देखें, ये जरूर आपके लिए बच्चों फायदेमंद होगा। तो लेट स्टार्ट विथ लूप। एक ऐसा टूल है जिसके द्वारा आप रिपीटेड टास्क को, रिपीटेड का मतलब क्या होता है बच्चों, बार बार किसी टास्क को दोहरा सकते हैं, किसी टास्क को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अगर लूप के बारे में मैं कुछ लिखूं तो कहा जा सकता है कि लूप इज द वे, वे माने होता है तरीका, टू एग्जीक्यूट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। लूप इज द वे टू एग्जीक्यूट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली। यहां रिपीटेडली शब्द का मतलब होता है बच्चों बार बार। लूप एक ऐसी युक्ति है, लूप एक ऐसी कला है जिसके द्वारा रिपीटेड टास्क, अर्थात जो कार्य आपके लिए मुश्किल है, बार बार जिसके लिए आपको लिखना पड़ता है, वो कार्य लूप की मदद से बड़े ही आसानी से हम परफॉर्म कर सकते हैं। और आज ये जो लूप मैं बता रहा हूं आपको, ये किस लैंग्वेज पर आधारित है, तो ये लूप आधारित है आपका पाइथन। पाइथन एक बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है, आप जानते हो, आज के समय की मोस्ट यूजफुल, मोस्ट प्रोमिनेंट कह सकते हैं, मोस्ट ईजी और मोस्ट कह सकते हो कि पावरफुल लैंग्वेज अगर कोई है प्रोग्रामिंग में, तो वो आपकी पाइथन है। और पाइथन आपको पूरी तरीके से लूप को चलाने की, लूप को यूज करने की, लूप को प्रयोग करने की सुविधा दे रही है। तो आइए जाना जाए बच्चों कि पाइथन में कितने प्रकार के लूप्स उपलब्ध हैं। तो देखिए, पाइथन लैंग्वेज में तुम्हारे प्रमुख जो लूप है वो दो है। पहला जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा हूं वो है व्हाइल, और दूसरा जिस लूप का जिक्र हम लोग करेंगे वो कौन सा है, फॉर लूप। तो देखिए, व्हाइल और फॉर, ये दो स्टेटमेंट उपलब्ध है तुम्हारे। कौन कौन से? ये दो डिफरेंट स्टेटमेंट्स अवेलेबल हैं जिनकी मदद से आप पाइथन में लूपिंग जैसी सिचुएशन को, लूप जैसे कार्य को परफॉर्म कर सकते हैं, या मैं कहूं तो लूप बच्चों बना सकते हैं। बहुत ही कमाल के ये दो स्टेटमेंट्स हैं। तो आइए दिखाते हैं कि हाउ टू क्रिएट लूप्स, कैसे हम लूप का निर्माण करेंगे। सबसे पहले ये जानना जरूरी है, फिर हम कोई एग्जांपल ले पाएंगे लूप कैसे बनाते हैं। यदि आपको लूप का निर्माण करना है तो तीन बातों का ध्यान देना पड़ेगा बच्चों। कितनी बातों का ध्यान देना होगा आपको? तीन डिफरेंट चीजों का ध्यान देना होगा। सबसे पहला कि इनिशियल वैल्यू, आपके लूप की इनिशियल वैल्यू क्या होगी। दूसरी किस बात का ध्यान देना होगा? लूप की कंडीशन का, कि वो लूप कहां से कहां तक बच्चों चलेगा। और तीसरी किस बात का ध्यान दोगे आप, जिसको आप कहोगे इंक्रीमेंट, या आप करना चाहोगे क्या, डिक्रीमेंट। ये तीन बातें अगर आप बता पा रहे हैं सही से, तो निश्चित तौर पर कोई डाउट नहीं है बच्चों, आप लूप का निर्माण कर लोगे, इजिली कर लोगे। आई रिपीट अगेन, पाइथन में दो लूप्स उपलब्ध हैं। वो दो लूप कौन कौन से हैं? तो एक है तुम्हारा फॉर और दूसरा कौन है, वाइल। जो सबसे जनरल लूप है जिसका मैं पहले आपके लिए जिक्र करने वाला हूं, वो कौन सा है आपका? वो आपका रहेगा आपका वाइल लूप। और वाइल बता लेंगे तभी उसके बाद स्टार्ट करेंगे कौन सा, फॉर लूप।
तो मुझे उम्मीद है बच्चों इतनी बात तो आपकी समझ में आ गई होगी कि लूप है क्या। तो लूप एक टूल है, एक युक्ति है, एक तरीका है जिसके द्वारा आप रिपीटेड स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सोचिए अगर आपको कोई काम, सपोज कीजिए हेलो ही प्रिंट करना है, आपको हेलो प्रिंट करना है और 100 बार प्रिंट करना है, तो आप मुझे बताइए हेलो को अगर आपको 100 टाइम्स प्रिंट करना होगा तो कैसे करोगे। एक तरीका है आपके पास कि 100 टाइम्स प्रिंट स्टेटमेंट को यूज करें, 100 टाइम्स प्रिंट स्टेटमेंट को यूज करें और हेलो प्रिंट हो जाएगा, नो डाउट। लेकिन आप मुझे बताइए 100 टाइम्स क्या आप हेलो को लिखेंगे तो ये आपके लिए आसान होगा? कहीं से आसान नहीं होगा। चलिए आप कहेंगे सर हम कट कॉपी पेस्ट कर लेंगे, लेकिन बेटा तब भी आपको रिपीटेड वर्क बार बार करना होगा। इसका सरल और समुचित उपाय जो है वो कौन सा है? लूप का निर्माण कर लो, एक बार लूप चलाना सीख लो। और लूप एक ऐसी कला है ना जो हर जगह, खाली पाइथन में ही नहीं है, पाइथन के अलावा भी बहुत सारी ऐसी भाषाएं या लैंग्वेज हैं जहां पर हम उपयोग करते हैं किसको, लूप को उपयोग करते हैं। तो आइए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, 3 बातें, इनिशियल वैल्यू, लूप की कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। अगर आप ये 3 बातें बता ले गए तो आप लूप बना लोगे बच्चों। आइए दिखाता हूं आपको, अब आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि लूप जो है आपका व्हाइल कैसे बनेगा। चलिए देखिए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, व्हाइल को बनाना है, इसका सिंटैक्स देखिए। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, इनिशियल वैल्यू, फिर आप क्या लिखोगे, व्हाइल कंडीशन, और उसके बाद बच्चों क्या होगा कंडीशन के अंदर स्टेटमेंट जितने भी आप चाहते हैं, और लगे हाथ आप सबसे आखिरी में क्या लिखेंगे, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। देखिए ये है आपके लूप का स्ट्रक्चर, ध्यान से समझने की कोशिश करिए कैसे आप लूप बना रहे हैं, ये आपको एकदम क्लियर यहां दिख रहा है। सबसे पहले उसकी इनिशियल वैल्यू, फिर व्हाइल के साथ आप क्या देंगे, लूप की कंडीशन, जितने स्टेटमेंट आप लूप में डालना चाहते हैं डालिए, और फिर वैल्यू को आया तो बढ़ाओगे या तो तुम वैल्यू को क्या करोगे बच्चों, घटाओगे। तो आओ इसका एक एग्जांपल दिखाता हूं, एग्जांपल ऑफ व्हाइल लूप, समझने की कोशिश करिए सब लोग कैसे बनता है, एग्जांपल ऑफ व्हाइल लूप, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा तो आपको पहले ही एग्जांपल में बच्चों समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल बनाया आई, जिसकी इनिशियल वैल्यू कर दी 1, while i less than equals to कहां तक चलेगा, 5 तक चलेगा। प्रिंट आप करेंगे किसको, i को, और i is equal to i plus 1। ये देखिए बड़े ही आसानी से आपका एक सिंपल सा लूप मैंने तैयार कर दिया। अब आप इस लूप को समझने की कोशिश करिए, सबसे पहले i की इनिशियल वैल्यू क्या है, 1। लूप में 3 बातें होती हैं, मैंने समझाया अभी आपको, वो 3 बातें कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले आई की इनिशियल वैल्यू 1 हो गई, कब तक ये लूप चलेगा, ये जो आपका लिखा है इसको हम क्या कहेंगे, लूप की कंडीशन बोलेंगे। देखिए इसको मैं क्या बोलूंगा, लूप की कंडीशन, आई का मान 1 है, कब तक चलेगा, जब तक आई छोटा या बराबर रहेगा किसके, 5 के, अर्थात आई का मान जैसे ही 5 से बड़ा होगा आपका ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो पहली बार आई का मान क्या है, बोलिए 1 है, कंडीशन ट्रू है, आई 1 छोटा है 5 से, अंदर आएगा प्रिंट करेगा 1, आई का मान 1 से 2 हो जाएगा, ये है आपका इंक्रीमेंट, ध्यान से समझिएगा। आई 1 से 2 हो जाएगा, फिर आई की वैल्यू वापस आएगी चेकिंग पर। अब बताइए आई का मान 1 से 2 हो गया, क्या 2 छोटा है कि नहीं 5 से, 100% 2 छोटा है 5 से, लूप कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा ट्रू है ना, आई का मान फिर क्या प्रिंट होगा, 2, आई 2 से 3 बनेगा, फिर आएगा कंडीशन, फिर आपकी ट्रू मिलेगी।
आई का मान क्या प्रिंट होगा? तीन, तीन प्लस एक ऊपर आएगा चार, चार छोटा है पांच से, जी हाँ कंडीशन ट्रू है, चार की प्रिंटिंग होगी, चार प्लस एक पांच, पांच पांच से छोटा नहीं है बच्चों, लेकिन पांच पांच के क्या है, बराबर है, तो क्या होगा आपका कंडीशन फिर ट्रू है, क्या प्रिंट करेगा पांच, आई का मान पांच प्लस एक क्या हो गया छे, छह पांच से छोटा नहीं होता, छह पांच के बराबर नहीं होता, लूप की कंडीशन फॉल्स हो गई। तो ये लास्ट आउटपुट जो आया आपका देख लीजिए, ये आया बच्चों कितने इजीली, मतलब ये तो मैं एक सिर्फ अभी आपको एग्जांपल्स दिखा रहा हूं, आगे चल के डिफिकल्ट एग्जांपल्स भी हम लोग ले सकते हैं, लेकिन तरीका समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना तरीके को समझे आपको समझ में नहीं आएगा कि ये लूप्स चलते कैसे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको व्हाइल लूप क्या है, किस प्रकार से बच्चों चलता है, कैसे हम उसको यूज करते हैं, ये इतना आपकी समझ में आ गया होगा। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको एक और लूप पाइथन का समझाने की कोशिश करता हूं, जो कि कौन सा लूप बोला जाता है, फॉर लूप। देखिए फॉर क्या है, इसको मैं कह रहा हूं इट इज अ स्पेशल लूप। ये कैसा लूप है, ये एक आपका स्पेशल लूप है, इट इज ए स्पेशल लूप विच इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट which is used to execute or run on sequence। Python में आपको आगे पढ़ाएंगे कभी sequence, sequence का मतलब होता है ordered collection of items। तो basically ये जो for loop है ना, ये किस लिए बनाया गया, मैंने कहा इसको special loop, क्यों इसको स्पेशल कह रहा हूं, क्योंकि ये ऑपरेट करने के लिए बना है, किस पर बना है, सीक्वेंस डेटा टाइप पर। यहां सीक्वेंस का मतलब तुम्हारा स्ट्रिंग भी हो सकता है, सीक्वेंस का मतलब तुम्हारा लिस्ट भी बच्चों हो सकता है, और सीक्वेंस का मतलब आपका टपल भी हो सकता है। यानी फॉर लूप बेसिकली जो डिजाइन किया गया है या बेसिकली जो बनाया गया है वो विशेष तौर से चलाने के लिए, या मैं कहूं आइटरेट करने के लिए, आइटरेट का मतलब होता है दोहराना, किस पर आइटरेट करने के लिए, सीक्वेंस पर आइटरेट करने के लिए बनाया गया है। तो आइए एक एग्जांपल आपको, एक एग्जांपल दिखाते हैं फॉर लूप का, एग्जांपल ऑफ फॉर लूप, कैसे फॉर लूप तुम्हारे चलते हैं, लेट इसका एग्जांपल देखिए। सपोज कीजिए आपने कोई स्ट्रिंग बनाई, str इज इक्वल टू इंडिया, यहां इंडिया स्ट्रिंग है, डबल कोट से डिनोटेड है, फॉर आई इन, स्ट्रिंग का नाम str है ना आपके, जी हां, प्रिंट ये देखिए आई हो गया, यहां पर आई आपका वेरिएबल हो गया, इन ऑपरेटर है, किस पर चलेगा str, यहां str क्या है, एक सीक्वेंस है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक तुम्हारा आई का लूप, एसटीआर में जितनी वैल्यूज होंगी आपको मालूम होना चाहिए कि जो एसटीआर तुम्हारा है वो इस तरह से बनता है, स्ट्रिंग है, ये ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है, तो ऑर्डर्ड कलेक्शन होगा तो क्या होगा, उसके हर आइटम का एक इंडेक्स वैल्यू होता है। तो देखिए आई आपका हर पोजीशन पे आएगा घूम घूम के, पहले आएगा जीरोथ पोजीशन पर, उसकी वैल्यू क्या है आई प्रिंट करेगा, फिर आई बढ़ के कहां पहुंचेगा वनथ पोजीशन पर, एन प्रिंट करेगा, फिर आई बढ़ के कहां पहुंचेगा सेकंड पोजीशन पर, टी प्रिंट करेगा, सिमिलरली आई कहां पहुंचेगा थर्ड पोजीशन पर, थर्ड पोजीशन की वैल्यू आई है, और आई बढ़ता हुआ कहां जाएगा फोर्थ पोजीशन पर बच्चों, और फिर क्या है ए है। ये देखिए पूरी स्ट्रिंग को इसने क्या कर दिया, ट्रैवर्स कर दिया, प्रिंट कर दिया, बना दिया। तो उम्मीद करता हूं आपको कैसे चल रहा है आपका फॉर लूप, बेसिकली ये डिजाइन किया गया है किस पर चलने के लिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बच्चों, ये बेसिकली ऑपरेट करने के लिए बनाया गया है किस पर, सीक्वेंस डेटा टाइप पर। और आपका जो फॉर लूप है, फॉर लूप आपका पाइथन में एक और फंक्शन है रेंज, रेंज के द्वारा आप नॉर्मल यूज भी कर सकते हैं। आइए दिखाता हूं एग्जांपल इसका,
for I in range, और आपने अगर दे दिया बच्चों 5 और प्रिंट किया किसको, किसको आपने प्रिंट किया, I को प्रिंट किया, तो यहां पर अब क्या होगा, आपका I का जो लूप है वो 0 से चलेगा 4 तक, यानी जो रेंज की वैल्यू है उससे एक लेस उसको छोड़कर चलेगा। तो बताइए जब 0 से 4 चलेगा तो क्या आउटपुट आएगा, 0, 1, 2, 3, 4, अर्थात चलेगा वो 5 बार ही, रिपीट करेगा वो 5 बार, लेकिन स्टार्ट कहां से करेगा, 0 से करेगा, यानी 0, 1, 2, 3, 4। तो देखिए इतने प्रकार से आपको ये आइडिया बच्चों लग गया होगा कि लूप क्या है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कंक्लूड कर रहा हूँ कि लूप आपका एक युक्ति है, एक तरीका है जिसके द्वारा आप पाइथन में या किसी भी दुनिया की लैंग्वेज में, देखिए ये जो टेक्निक्स हैं ये किसी लैंग्वेज पे डिपेंडेंट नहीं होती, आप इजीली रिपीटेड टास्क को एग्जीक्यूट कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। पाइथन में 2 लूप हैं, फॉर लूप और बच्चों व्हाइल लूप, और थोड़ा थोड़ा आपको ये भी चलाना सिखाया कि ये लूप चलते कैसे हैं, कार्य करते कैसे हैं। तो बच्चों आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल्स पे आइए, हमारे चैनल को ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, यूनिक ग्रुप का ऐप, गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे तो यूनिक ग्रुप का ऐप है बच्चों, आप उसको डाउनलोड करके तमाम कोर्सेज उपलब्ध हैं, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, और फुल कोर्स को यहाँ पर आपको आइडिया मिल रहा होगा कि पढ़ाई कैसे होगी। तो कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपसे निवेदन है कि आप आए और यूनिक ग्रुप के ऐप को डाउनलोड कीजिए। वीडियोस में डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको मोबाइल नंबर्स मिल जाएंगे चैनल के, कॉल सेंटर के, वहाँ पर आप कॉल करके भी बच्चों फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। बाकी कंप्लीट कोर्स के लिए ज्वाइन कीजिए, परचेज कीजिए और मिलिए। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, नमस्कार।